हाँ जी, घर में तो बहुत है, आपको भी घर में लग रही है। क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? नहीं लगती है, मैं वैसे पूछ रहा था, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। तो आपको लग रही है तो मुझे भी लग रही है। नहीं, किसी का मैदा जो है ना वो ठंडा होता है, उनको गर्मी काम लगती है। नहीं है हमारा मैदा ठंडा। गर्मी की शिद्दत जो है ना वो फिर से बढ़ गई है। कल जो है ना मौसम ठंडा हो गया था, रात हवा चले, रात सुकून की नई पंखे हमने नहीं चलाए। अभी जो है ना सारा दिन हवा चलते रही, अभी हवा जो है ना वो जाम हो गई, बिल्कुल रुक चुकी है। तो अभी इतनी गर्मी है ना, वो देखिए कौशल के माथे पे पसीना, मैं आपको चेक कराऊँ, इधर है ना देख लो, ये सारा ही पसीना है। ये देखिए, ये पसीने में बूढ़ी हुई है और मैं भी, इसलिए तो मैंने चोला लाया हुआ है। चोला पाता हूँ तो भाग लग जाती है गर्मी में, हुआ ना, तो इसलिए मैं चोला पाता ही नहीं हूँ रात। चले जी मैडम, ब्लॉग स्टार्ट करें माशाल्लाह अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, मेरे घर में भी सब ठीक है। तो माशाल्लाह से हमारा शाम का व्लॉग शुरू हो चुका है, तो रहने हमारे साथ साथ। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करनी और अपने दोस्तों में लाइक शेयर कर देनी है, वो दोस्तों में लिंक देनी है कि ये अब इसका चैनल है और इसको सब्सक्राइब कर लो। और हमारी वीडियो जो होती है माशाल्लाह से ज़बरदस्त होती है, पूरी वॉच किया करें। अगर बहन भी पूरी वॉच नहीं करेंगे तो हमें कैसे सपोर्ट मिलेगी? बहन भी पूरी वॉच करेंगे तो हमारी कुछ सपोर्ट होगी ना। तो वैसे भी आजकल हमारा चैनल जो है ना बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। YouTube जो है ना हमारा बिल्कुल रुका हुआ है, जाम हो गया है, हमें ना कोई इनकम नहीं आ रही YouTube से। तकरीबन 5-6 महीने हो गए मेरे चैनल पर एक रुपया एक टक्का भी नहीं आ रहा। हाँ जी, और बार बार यही बहन भी उसे रिक्वेस्ट करते हैं और सपोर्ट करेंगे तो शायद हमारा कुछ फायदा हो जाए। चलो अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह पाक देने वाला है। हाँ जी, वो कहते हैं ना लोगों से हम उम्मीद नहीं रखते, अल्लाह पाक से उम्मीद रखते हैं। हाँ जी, रोजे देने वाला वही है और हमें अल्लाह पाक भूखा भी नहीं रखेगा। चाहे किसी को देता है, यूट्यूब से कुछ आए या ना आए, ठीक है, टिकटॉक से कुछ हासिल हो या ना हो, अल्लाह पाक एक दरवाजा बंद करता है तो 10 खोल देता है जी। और कहीं ना कहीं से रोज अल्लाह पाक देगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर देगा। और हम तो हर वक्त यही दुआ ही करते हैं जिनको भी अल्लाह पाक मतलब रोजी का एक वसीला बना दे, जो मजदूर है अल्लाह पाक उनको भी रोजी दे और हमें भी रोजी दे इंशाल्लाह। की भी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको औलाद दे, हर किसी की अल्लाह पाक मुश्किलात दूर फरमाए, उनको हर एक खुशियाँ नसीब करे। आमीन, अल्लाह पाक बे औलादों को भी औलाद नसीब फरमाए। हम तो हर वक्त बंदे के लिए दुआ ही कर सकते हैं, जहाँ भी बीमार हैं, जितने भी बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफा कामला मुस्तवीर अता फरमाए। आमीन। और पप्पो है, खाला है, बहने हैं, भाई हैं, चाचू हैं, अंकल हैं, नहीं जो भी हमारे व्लॉग्स देखते हैं और जहाँ से भी है, हम सब के लिए दुआ करते हैं। हमें ये कहना, हम ये खाला के लिए दुआ कर रहे हैं, हम ये फूफो के लिए दुआ कर रहे हैं, फिर वो दूसरी खाला दूसरी फूफो बोलेगी कि उनका नाम ले रहे थे, उनके लिए दुआ कर रहे थे, मेरे लिए क्यों नहीं किया? हम सब के लिए, सब के लिए, क्योंकि नाम लेते तो बंदा माइंड कर जाता है कि हमारा नाम नहीं लिया, इसलिए हम सब के लिए ही दुआ करते हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआ अल्लाह पाक पूरी करेगा। ये रात मैंने दुआ की थी कि अल्लाह पाक हवा चला दे, अल्लाह पाक ने कैसे चलाई। हाँ जी, माशाल्लाह से ठंडी ठंडी हवा है, इधर से आ जाओ, इधर से बहुत सारी आग है। चलो मैं चलता हूँ, मम्मी जो है ना वो काम कर रही है, रहमान भाई भी उधर चले गए हैं, बच्चा पाल के जो यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि अब ये बच्चे नहीं रहे, ये बड़े हो चुके हैं। कमरान जो बोलता है वो मेरा रिश्ता करो, शादी करो। हसीब का भी थोड़ा ऐसा ही मन कर रहा है, मुनीब जो है ना वो कहता है भी दे रहा है, क्योंकि लास्ट में ये छोटा है ना सबसे। तो इंशाल्लाह ये आप बच्चे नहीं रहे, ये बड़े हो चुके हैं, अभी इनके मुंह पर दाढ़ी मूछें आ रही है। पहले पहले भी लोग देखे ना तो ये इतने से थे, बिल्कुल चूहे की तरह छोटे छोटे, अब देखो इनको बड़ा कर दिया अल्लाह पाक ने। सियाना भी बैठे, सियाना भी बिल्कुल निकली सी थी, अब देखो बड़ी हो रही है। चलो जी माशाल्लाह काम की बात करते हैं, किस किस के काम बचे हुए हैं, किस किस ने कर लिए, क्या क्या कर लिया, फ्रेश हो लिया, सोने बन गए। हसीब जो है ना वो बाबू लगते हैं, बड़े बाबू, सरकार ठाकुर, वालों में डाल लिया जी वो कड़ा, क्योंकि वाल इसके आगे आते थे ना मुंह पे तो अच्छा नहीं लगता था, इसने कड़ा ले लिया कि वाल पीछे रहे। कमरान के बाल देखे, यह भी नहाया है लेकिन इसने कंघा नहीं किया। अब सारा मैं बोलता रहो या कुछ और भी बोलेंगे, काम बताओ अपना। चलिए मुनीब समझ आ रही है, बता दे।
क्या काम हमने कर लिया, गाया मैंने अकेला ही। गाया वापस आ गई और बाकी क्या काम रहता है? बाकी बात कोई नहीं, रहता तो है। बर्फ भी लेने जाते हो, घास वगैरह डालते हो, खाल भूसा खिलाते हो। पानी लेने जाना था, वो बाइक खराब है। क्या बात कहते हो को? रोज कह ना के खराब ही थे करिए कि इतना पैसे दे रोज बनवाओ देखो। रोज जो बाद भी होले चला, किसी के मानते हो? रेस का कौन सा भजाने का काम होता है, वो ऐसे तो खटारा हुआ है, खराब हो जाता है। खटारा है तो उसको जो भनो, उसको जितना हो सारा। अच्छा मैं ना जाता हूँ, वो दरख्तों से पूछता हूँ, अगर पत्तों पे लगे हैं पैसे तो वो ले आते हैं। फिर न्यू बाइक लें, कौन सी लेनी है? अच्छा 125। आपने भी? पर वो कितने दिन में तोड़ोगे? एक हफ्ते में? आपकी तो आदत है तोड़ना, खास तौर आप ही हो जो तोड़ते हो। वो दोनों जाना, वो शरीर पर कभी कभी मैं ये मुड्डा शुड्डा ये इसमें क्या है, तोड़ते छोड़ते ये है। शरीफ वो है लेकिन मैं तोड़ता हूँ। अच्छा ये जब गिरा था मुझे ये बताओ, ये खटारे जब गिरा था, गाल सुनो, ए ये जो अगला इसका सामान था ना, ये कब टूटा था, किसने तोड़ा था? साचा से चलो अब आते हैं, उनको बोलो पहले थोड़ी सी डांट पे सुनो और इंशाल्लाह इसी को अपने बनवा के चलाना है। और तो नहीं आने वाला इस्तेहाना, इधर नहीं ले आओ इसको, दुनिया ना कपड़ा नहीं पहना हुआ इसने। इस्तेहाना आप क्या खा रही हो? वीडियो बना रही हो? माशाल्लाह देखे तो सही, कैसे प्यारे वीडियो बना रही हो। आज हम क्या पका रहे हैं? क्या पप्पा जोर से बोलो। हाँ जी पप्पा, चलो यार लड़ो, कब का लड़के भी नहीं दिखा यार, लड़ो। नहीं अक्सर तो लड़े रहते हैं सारा दिन। कुट 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 कुटाक, कुट 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 कुटाक। वो कैसे मुर्गे करते हैं रखिया, और आप कैसे अकल लेते हो? कोड़ 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 भाल लगी कोड़ ऐसे। अच्छा बात सुनो, कावड़ी में देते अभी अभी जो है ना, रखिया नाराज थी बहुत, पता नहीं फिर किस बात पे। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने है? जकिया ऐसे ना किया करो, जो भी बात हो बताया जरूर करो, ऐसे खामोशी अच्छी नहीं लगती। मैं वही बात है भैंस के आगे बेन बजा रहा हूँ। क्या हो गया, ये रोज आपका गर्मी से दिमाग खराब होता है, बाकी को गर्मी नहीं लगती? क्या हो गया? और हाँ इधर इधर देख के बोलो, क्या बात है? और क्या बात है? अच्छा गर्मी वाले नहीं है तो हाँ बताओ, आज खोल के बता दो। मैंने मारा आपको? पागल तो नहीं होगी, बड़ी बहन को कोई मारता है? नहीं तो मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने वो बोला साकिब को ना ऐसे बिठा के नहलाओ, फिर ये ना गुस्सा होके चले गए, पता नहीं किस बात का गुस्सा आ गया। इधर पीछे तो देखो। अच्छा सुजा वाला दोन दिखाओ, खेल रही है ये, सुजा वाला तो नहीं है। चलो बना देंगे, वो कुल्फियाँ भी मंगवा दूंगा, आइसक्रीम भी आपको, ठीक है? नाराज नहीं होना। मौसम चेक करें ना, बिल्कुल हवा रुक गई है, गर्मी और आपदस बनी हुई है। हर शहर ना रेस्ट करती है, जो इंसान काम कर कर के थक जाता है तो रेस्ट करता है दोपहर के बाद, ये भी जो हवा होती है इसे रेस्ट करती है। सारा रात दी
ग्यारह बारह बजे जो हवा चली है इस टाइम होनी बंद हुई। अभी वन घंटा दो घंटे रेस्ट करेगी, फिर शाम के ग्यारह बारह बजे फिर हवा चल जाएगी इंशाल्लाह। दखन चला हुआ ना, दखन चलेगा रोज डेली। मौसम जो है ना चेंजमेंट में नहीं आ रहा फिलहाल। वो जो आ रहा है ना ऐसे समझो हवा जो चल रही है, कोई मौसम अच्छा आ जाए, हम घर निकालने गए ना बिल्कुल गर्मी तो पता भी नहीं चला। नहीं वो हर साल से ज्यादा इस बार महसूस हो रही है। वो तो वैसे ज्यादा है, हर साल करूँ ना काफी दूरी से ज्यादा गर्मी बढ़ रही है तो। लेकिन अभी मैं आज की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा ये नहीं हूँ जो मैं पूरे साल की डिटेल बताने वाली खबर दूँ ना। मैं नहीं हूँ, एक एक दिन की खबर बताया करो। आज मीठा दिन होगा, आज चारा, आज वो ठंडा मीठा और वो गर्म मौसम रहेगा। अभी मैं ये बता रही हूँ जो आज का मौसम जो है ठंडा मीठा रहेगा। अच्छा खुलेगी हवा, कल करूँ ना हवा चेंज हो रही है। ऐसे ये समय जो रात दिन ऐसी गर्मी होती थी जब होन होगी इस टाइम है ऐसे होती थी, मगर कल की जो हवा चली है सारा दिन सुकून, रात सुकून, सब जो ही हम सारे थे ना बड़े खुश थे जो माशाल्लाह हवा अच्छी चली। वो रात को हवा चले ना, मैं उस टाइम जाग रहा था तो मैंने ना वो पंखे बंद कर दिए दोनों। हाँ जब मैं साकिब के साथ सोई थी तब मैं हवा चल रही थी उस टाइम, फिर मैंने कहा आप लोग सोए गए हो साकिब के साथ, आप कौन सा आएगी तो मैं अपनी चारपाई के सोऊंगी। फिर तुम्हारा अबू ने पंखे पे साथ डाली हुई थी चारपाई, फिर मुझे बुलाया मेरी चारपाई ने मेरी जगह पे डलवा दो, हम हवा चल गई। फिर उन्हें चारपाई उधर डाली, फिर अपने चारपाई पे पहले तो ऐसे सो गई, मैं क्या जाली नहीं लगाना, फिर निके निके मच्छर आ गए, हवा में भी मच्छर आ गए। फिर मैं वाल उठी हैं जाली लगा के, फिर सुकून आया। अब डिंकू भी सारा दिन सुकून से माशाल्लाह अच्छा दिन, अच्छा दिन था। आप भी जाना, अभी थोड़ी देर अल्लाह करे वाला हवा चल जाएगी। 25 तारीख का उन्होंने बोला था बारिश का, आज मेरा ख्याल 22 है, पता नहीं 23 है, नहीं 25 को बोला, 22 23 हो गई है ना। अभी थोड़ी बहुत हो सकते दक्षिण चल के शायद ना आई है, ये बारिश जो है ना एक दो ये आखिरी होगी गर्मी वाले, फिर मौसम चेंज नहीं। फिर जब बताते ना जब 25 तारीख को आ देखना, 25 को आ गए ठीक ना, तो आगे तो फिर मौसम बताएंगे फलन तारीख को आएगी होंगे ये चेंजमेंट वाले, आगे फिर मौसम चेंज हो जाएगा। हाँ जी, अब आगे जो बारिश आएगी ना माशाल्लाह सर्दियाँ शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये तो कितना आठवां महीना लगने वाला है, अभी तक भी गर्मी हो, बस नौवें महीने खत्म हो जाएगी, नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां पहला दूसरा तीसरे महीने, तीसरे में फिर गर्मियाँ शुरू होती, फिर चौथे में जब गंदम काटनी होते तो फुल गर्मी। मुझे ये नाम भी आ जाते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त दिसंबर, नहीं मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक अंदर कहना हो सब जो देसी अगे वे होंगे ना असू कच्चे मंगेर पोहो सावन वो इस्लामी इस्लामी आपको आते हैं? नहीं मैं ये ही आते हैं जो मैं बता रही हूँ, इस्लामी भी मुझे नहीं आते वो शोबान रमजान जलाज वो वाले नहीं आते। पानी पिला रही है भैंसों को, ये भैंस है कितनी फोसियाँ देती है। बस ये दूध तो नहीं देते ना, दूध नहीं देती फोसियाँ देती है। देखे ना काल शहर चलेगी ना दवाई लेने, काल में सफाई नहीं की तो आज काल वाली आज वाली तो काफ़ी टाइम लगा, मैं तो खुद थक गई ना कि गोबर उठा उठा के खिलाओ पिलाओ खाने का काम में जाए, खिलाओ पिलाओ ये कोई फायदा नहीं देते, फोसियाँ देते हो फोसियाँ भी मिलो गाय को, तब खिलाओ पिलाओ चलो दूध तो देती है ना कोई फायदा हो जाता है, वे वो बछड़ियाँ भी देती है गाय भी भर जाती है, तो ये ऐसे पाल पाल इन जब फोसियाँ ढो ढो तक ये गोश्त बढ़ाते हैं फिर पैसे मिलते हैं। हाँ जी एक ही साथ देते हैं। हाँ जो भी व्यापारी घेन के ले जाते हैं फिर इनको को होते गोश्त बनाते बेचना, ये भी फायदा देते अच्छी बात है। फिलहाल टुकर पानी,
वो अभी छोटे खड़े हैं, बाकी ये पिला दिया। अच्छा साकिब से बात करते हैं, जब भी मैं आता हूँ ना साकिब से बात करने, ये उल्टा हो जाता है। ओए बच्चे कहाँ बांध रहे हो? साकिब क्या कर रहे हो? हैं खेल रहे हो? बस वो दो आवाज़ें लगा के ना अब चला गया आगे। अभी मैं आगे चलता हूँ ना इसके कार करते के देखते हैं। उस चैना वीडियो बना रही है और इस चैना टिकटॉक बना रही है साकिब का टिकटॉक बना रही है। ओ पानी पी रहे हैं साकिब पुत्र, चलो पानी पिला लो इसे। हाँ ये वाला ना सुकून से कह दे। ओ राजीनामा कर लिया माशाल्लाह। बस है वो कहते हैं बस। अभी इसको खेलने दो। एंटरटेनर अभी इसके कार नाम चेक करते। चलो जी भागो। ओए साकिब पुत्तारा, साकिब मेरे जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, क्या इधर आओ। ओ पहुंच गया पानी पर, ओ पहुंच गया पानी पर। कहाँ सर? वो वाला पानी में पहुंच गया। अभी इसके शरारत चेक करते हैं। पानी में तो वैसे घुस गया, पानी में बड़ा खेलता है। देखो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये उल्टा हो जाता है, अपना फेस नहीं दिखाता, ये काम दिखाता है, लगता है शर्माता है। ओ मज़ा लग गया साकिब के। साकिब पुत्तारा, ओ बाबा आ गया, ओ बाबा आ गया। शरारती बच्चे पानी में बड़ा खेलता है। मैं जा रहा हूँ, आपके मम्मा को बताता हूँ। साकिब मैं बताता हूँ आपके मम्मा को। बाय बाय। नहीं अम्मी देखो बोलता है नहीं बताना मम्मा को। बता दो। चलो स्पीकर ऑन करो, बोलो। हाँ शाबाश, और बोलो। ओ शाम हो गई फिर से, दिन ऐसे दौड़ रहे हैं, जिंदगी ऐसे भाग रही है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ ठीक हो? शकील भाई आए तो ये ना जिंदगी हमारी ऐसे दौड़ रही है। तो शाम का जो है ना रूटीन आपको पता है, अभी खाना पीना होगा और बिस्तर जो है ना वो निकाल रही है, और अम्मी जो है ना वो पता नहीं क्यों देख ची उठा के दूध वगैरह निकाला है, आज पता नहीं नहीं निकाला। हाँ जी दूध जमाना है लस्सी के लिए। अभी जमा के रखते हैं, सुबह बन जाता है। सुबह फिर दही बन जाती है, फिर लस्सी बनानी होती है। अभी धन को ना इतनी गर्म लस्सी पी पी के ना ठंडी नहीं होती। उस टाइम पिया करो जब बर्फ ले आते हैं ना, बर्फ तो भोरा डाल के
फिर बिल्कुल ठंडी हो जाती है, फिर आप रात के पी लिया करें एक बार। ये बार बार जो रखते हैं ना, फिर जाता ऐसा किया करो बोतल में डाल के फ्रिज में रखा करो, फिर पीने का मजा आएगा। हाँ, रोटी खाने आते हैं ना सुबह सुबह, अगले दिन ना जो बच्ची हो ना ऐसे करना, जो नाश्ता वगैरह हाथ कर ले, जो बच्चे बोतल में डाल दे उधर रख दो, जैसे अभी घंटा दो घंटे फ्रिज चलती है तो ठंडी हो जाएगी, फिर सुकून से पीना, और कौन सी टेंशन वाली बात है। कल ऐसा करेंगे, ऐसा ही करना है, मशवरा अच्छा दिया, मशवरा आप भी दिया ना। अच्छा, वो अल्लाह पाक ने करम किया माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने रात में अल्लाह पाक से ना देखें रो रो के दुआ मांगी, आधे घंटे बाद इंजी फौरन सोनी हवा चली ना, बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक ने बोलता जो चार हंजू केर के बंदा मजबूर हो के मेरे को याद करे ना, मैं फौरन उसी के बाद सो जाता। अल्लाह पाक तो आया सुनता है ना आपके। हाँ इंशाल्लाह सुनता है। अगर देखे ना पिछले साल बारिश नहीं आ रही थी, नमाज पढ़ी मैं उस भी मसल्ले पे, नमाज के पढ़ने वक्त उस भी रो रो के अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह से हाँ इतना बारिश दे खैर दी हमारे इलाके में, हम जो चीज़ मैं से होगी ना मैं वो वांडूंगी जब बारिश शुरू होगी। अच्छा, ऐसे एक दिन दुआ मांगी, दूसरे दिन जो बारिश शुरू हुई तो हुई तो हुई, मैंने शायद मान ली अल्लाह पाक ने हूँ खैर दी बारिश दे दिए आप रुके, फिर मैं चाय बांटी सबको खिला दी, फिर बारिश नहीं रुकी नहीं रुकी, दो महीने बरसत रही, दो महीने जब एक साथ खड़ी रही, एक साथ खड़ी रही माशाल्लाह, खैर दी थी ना कोई नावा ना कोई तूफान ना कुछ ना, ऐसे सुकून से बारिश बरस दे रही, तो माशाल्लाह वो काफ़ी रोई हमारे राज्य गए, धरती जो है ना प्यासी हो गए थे इसलिए सुकून से मौसम बन गया। लेकिन अब भी रात ऐसे ना, मैं कल सारा दिन सफ़र पे थी, रात इतना मैं बस तंग हो के अल्लाह पाक से दुआ मांगी, वो भी चार हंजू केर के, तो अल्लाह पाक ने फौरन सुन लिया, रात दी हवा चली 11-12 बजे दी, अब भी तक चल रही है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ना ऐसे हवा रोकना भी नहीं इंशाल्लाह, ये रात को जब चलते हैं तो रुकते नहीं, आप चलते रहेंगे इंशाल्लाह, चलती रहेगी, होने समझो मौसम ठंडा हो जाएगा। अल्लाह पाक गरीब है कि सुनता है, हर किसी की सुनता है, जिन अल्लाह पाक ना है सो दुनिया में ले आया है, पैदा किया है, तो अल्लाह पाक हर किसी की सुनता है, देखभाल तो उसी ने करनी है ना। आप जो हम इस दुनिया में सब उसका ही माल है, वो चाहे किसी को सुखा रखे, दुख दे, तकलीफ दे, किसी की सुन ना सुन, अमीर करे गरीब रखे, हाँ उनकी मर्जी है, उनकी अपनी वंड है, जैसा किसी को भूखा रखे, किसी को ज़्यादा दे, किसी को ना दे, वो उनकी मर्जी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक नाम है, खिमर हो रही है लगता है, बारिश बारिश आने वाली है, बस चभी पता। मुझे बात याद आ गई, हम लाइव पे बैठे होते हैं ना, कोई अगर आता है बड़ा गिफ्ट जो आपके गिफ्टों को दे बड़े बड़े, उसको बोले ना कि हमें मिस बहुत कर दे, बोलता है नहीं हमसे ना मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक देने वाले। ओ अल्लाह से नहीं मांगते, जिन्हें को बड़े बड़े गिफ्ट लगा देते हैं, लाखों के गिफ्ट लगा देते हैं, वो तुमसे मांगते हो, अल्लाह से नहीं मांग सकते, वो अजीब बात करते हैं, हमने कहा आपका ले वाले इतना है ना। अच्छा असा अल्लाह से मांगू है, हाँ। गरीब जो चीज सवाल करे, गरीब दा ये सवाल है अल्लाह से मांगो, हाँ। वो तुमसे मांग रहे हो तो सब उनको रोजी दे रहे, वही तो अल्लाह से मांगे, ये करे जो हर बंदा अल्लाह से मांगे, किसी को ना दे ऐसा कहें, हर बंदा अल्लाह से मांगे अल्लाह पाक देगा, दे तो सबको दे, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों तरफ जो मैच लगा है, एक तरफ बड़े बड़े लाखों के गिफ्ट मारे, दूसरे को आके अल्लाह से मांगे, ये कौन सा हिसाब है, ये कोई बहन भाई बताएंगे ये सवाल कैसा है। वो उनको सपोर्ट करते हैं जिनके अच्छे बोले सपोर्ट, वही है गाल है, जिनके जो अमीर हैं उनके से शौक किया हुए बैठते हैं, हाँ। तो गिफ्टिंग उन्हें भी करते हैं, जो गरीब है कि मजदूरी देता है, रोजी के तरह है, कोई दुखा है भुखा है, जो कुछ है वो इस चीज़ को नहीं देखते, अल्लाह पाक दे रहा है, जो अल्लाह पाक पैदा किया तो अल्लाह पाक रोजी देगा, जैसे वो लिखा है ना अल्लाह पाक ने वैसे ही मिले, अल्लाह बाकी सही है। अगर मैं ये सिर्फ ये बता रही हूँ कि जैसे वो सवाल है सही किया, अगर जो मजबूर है, जो भूखा है प्यास है, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे, लेकिन ये कौन सा सवाल है जो ये बहन भी ये बताएंगे, जो ये जो अमीर है, जो रज्जा हुआ है, उसे लाखों के गिफ्टें कर तो अल्लाह पाक माफ करेगा, वो भी तो अल्लाह से मांगता है तो देते तो आप उसको जाके, यह गाल है, अल्लाह पाक ने एक वसीला बनाता है हम, हमारे लिए गरीब है, वसीला कोई नहीं बनता,
वो अमीरों के लिए बनता है, वो गिफ्ट सारा अमीरों के होते हैं और अमीरों के यही बात है ना। अल्लाह पाक यही बताया है जो अगर मैं जिसे को ज्यादा दिया है तो उसे वो ऐसे हराम कर दिया तो मैं वो जवाब दूंगा, गिनूंगा, जवाब लूंगा जो मैं तुम्हें इतना अमीर किया, इतना जजाद दौलत सब कुछ दिया है, कहाँ लुटाया, तुम कहाँ खर्च किया, गरीबों को दिया है, कोई मजदूर को दिया है, कोई यतीम को दिया है, तुम मस्जिद में दिया है, कोई अच्छे खाना खिलाया, क्या किया है तुम? ये तो अल्लाह वो बोलेंगे, वो बोलेंगे जो करोड़पति थे मैं उधर गिफ्टिंग करता था लाखों की। सच्चे वो बड़े बड़े फेमस हैं, जो काम कर रहे हैं वही बताएंगे ना, अल्लाह पाक से कौन छुपा सकता है, अल्लाह पाक देख रहा है ना। तो गरीब है, गरीब से पूछेगा, गरीब वो बताएगा क्या जो दो वक्त की रोटी आप खाया, जो हमारे से बच गई मैं अच्छे काम लाए, कोई मस्जिद में दिया है, कोई यतीम को दिया है, कोई गरीब को दिया है, कोई मजदूर को दिया है, अच्छे काम लाए ना, वो भी गरीब। हमें आजकल ना चलो ये दुनियावी यूट्यूब और बाकी ये शास्त्री लोग वो इधर हैं, टिकटॉक पे ना कोई किसी का नहीं है, वहाँ फाशी और वो जो है ना बढ़ गई है ज्यादा, लोग उन्हें को सपोर्ट करते हैं जिनके पहले से, सिर्फ उन्हें की करते बस शौक किया, जो शौक किया होता है जिनको जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ना वो दुनियादारी बात बनाने के नाम कमा रहे हैं जी, ये इस बना रहे नाम बनेगा, हम इतना लाखों का गिफ्ट कमा रहे हैं, हमारा नाम नहीं तो यूट्यूब पर चढ़ेगा, ये चढ़ेगी वीडियो वायरल, ये ऐसा इतना अमीर है, ये इतना लाखों का खर्च कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, लाखों का खर्च करे, गरीबों का करे, मजदूरों को करे। अगर हम अपने आँखों से देखे ना किसी बंदे को कि वो इतना प्ले कर रहा है, गिफ्ट लाखों की कर रहा है, उसी बंदे को हम अगर बोले मैसे रिक्वेस्ट करें कि हम गरीब हैं, मजदूर बच्चे हैं, हमारे सपोर्ट किया करें, तो वो आएगा, वो एक 200 भी नहीं लगाता हमें, वो 200 लगा के चला जाता है, फिर उधर जाके फिर वो लाखों, वो एहसास नहीं आता लोगों के अंदर। ये तो बात है ना, ये इंसानों की गलती है, गलत फहमी, गलत सोच है। अल्लाह पाक यही पहले दिन का यही बोला, जो जब जो को मैं अमीर कर रहा हूँ सिर्फ गरीबों की मदद कर, अगर वो सब को अमीर किया अल्लाह पाक ने, अल्लाह पाक का घर बनने लगा, कोई मजदूर नहीं लगा, पूरा शहर में खेर था, जितना जाए हर बना के, हमें क्या की भूख है, मजदूरी अल्लाह पाक ने दिया है, अल्लाह पाक ने दिया। अच्छा वो मस्जिद के लिए मतलब वो नहीं मिले मजदूर? हाँ मजदूर नहीं मिले, फिर वो जो नबी ने अल्लाह पाक को फरमाया जो ये जो है निज़ाम तेरा सही नहीं है, जैसे तुम ऐसा कर, आधे गरीब बना आधे अमीर बना, जो गरीब जो है अमीर के करे, खास तौर पर आपका घर बन रहा है अल्लाह पाक का, तो घर कोई नहीं बनाएगा, कोई मजदूर नहीं आ रहा, चलो इसको रख दें उधर, चले आ जाए क्या अचानक से रोने लगे। हाँ वो पिलाओ, ये जो करते हो ना मिया, पानी ले आओ, लापरवाही बिल्कुल, उसने पिलाओ इसको पानी और वो कॉल करो बाबा को, दाम करवा लो, फिर अल्लाह पाक खैर करेगा, गर्मी में बहुत है ना इस वजह से भी। मैं क्या उसी बात की टेंशन ले रही है नहीं, वो कोई तो कहते गला घुट रहा है, घुट रहा है ऐसे कहते कहते फिर अम्मा अम्मा बुलाने लगी, फिर चलो पानी पिलाएं आराम हो जाएगा। ये जो ले आए हो दवाइयाँ वगैरह जो भी दाम तभी ले आए हो, ये इस्तेमाल में लो, उन्होंने किस लिए दी है, वो असल में कल भी भूल गए थे और आज नागा ना करो, आपको पता है हमें उसकी हालत का पहले से इतना इलाज करवा करवा के ना, सब कर ये डालो पानी, बिस्मिल्लाह रहमान सब कर कबिया, उठो उठो पानी पिया।
मोबाइल ले आया पिया पानी पी रही है भैया पिया पे काम करवाते हैं ये पकड़ो हमें हाथ इसके काबू कर पाता कुछ नहीं था बस खाना पका के इधर मैंने भी ब्लॉग बनाया पैक चलो ये मिलाते रहो अच्छा होगा एक बीमारी से टलते हैं दूसरे समझ नहीं लगते ये ना सोबिया के ना दुश्मन बहुत है असल में ये बात बाबा से तो आई देर तबियत फिर खराब हो गई गला घोट गया थे आवाज ना देखे दे रही जी जी हाँ जी बाबा से रख लिया बाबा से कहते हैं सुकून करने दो अल्लाह पाक खैर करे आमस छोड़ दो जब 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 हो गया चलो इसको सुलाओ सीधा एहतियात करो इसके अचानक से अभी तो हम बैठे हो रही थी फिर कहते हैं गर्मी मैंने पंखे निकाली फिर कहते हैं वो मेरा गला ऐसे दुख रहा है फिर ऐसे करते करते घुटन होगी फिर अभी आपके सामने ही अम्मी को बुलाया परेशानी बन गई हाँ अच्छे खासे बैठे थे सब अभी वो पानी के छिंडे मारो अच्छा ये पिलाते रहना नहीं इसको मसल से हाँ हाँ